धूम हर तरफ नजर आ रही है। नोएडा में भी बाजारों में रौनक है, लोगों में उत्साह है, खरीदारी करते हुए नजर आ रहे, तो बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस के दिन आज नोएडा के सभी बाजार पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं और ग्राहकों की संख्या बाजार में देखकर जो दुकानदार हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं। अट्टा मार्केट में मौजूद है, यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो बारिश होने के बावजूद भी आप देखिए तमाम जो दुकानें हैं दूर तक यहाँ लगी हुई हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे का ये एरिया जो भी खरीदार हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग दुकानों पर अपने पसंद की चीज या धनतेरस के दिन दिवाली पर प्रयोग करने वाली तमाम चीजों की खरीदारी यहाँ पर की जा रही है। ज्वेलरी की बात की जाए तो चांदी और सोना खरीदने वाले जो लोग हैं वो भी लगातार बाजारों में पहुंच रहे हैं। बर्तन खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है, चांदी खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, मतलब तो तमाम जो भी बाजार में उनके खरीदने वाली चीजें हैं उनको खरीदारी करने के लिए तमाम लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से नोएडा के अलग अलग बाजारों की तस्वीर है, जो तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वो अपनी खरीदारी करने के साथ साथ यहाँ पर लोग दिए की भी अलग अलग वैरायटी इस बार देखने को मिल रही है। आप देखेंगे अलग अलग वैरायटी के दिए यहाँ पर हैं और साफ तौर पर जाम ना लगे, लोगों की समस्या ना हो, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। साथ ही साथ एडवाइजरी जारी की गई है कि जो मेन बाजार है उनके आसपास गाड़ियों को पार्क ना किया जाए, लिहाजा पुलिस भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और खरीदारों से बाजारों में पूरी तरीके से आज रौनक दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो धनतेरस पर नोएडा की तस्वीर तो आपने देख ली कि किस तरह धनतेरस को लेकर बाजार सज धज कर तैयार है। अब तस्वीरें कानपुर की आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाजारों में रौनक है, खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे। श्याम तिवारी ने हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए। धनतेरस के साथ ही 5 दिन के दीपावली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कानपुर में धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है और बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार सज धज करके तैयार हैं और खरीदार भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के मौके पर साज सज्जा का सामान हो, दिए हो, मोमबत्ती हो, तमाम दूसरे फैंसी आइटम हो, उनकी खरीदारी जमकर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी के आभूषणों को खरीदने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में दुकानों में पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन हैं उन्हें भी खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। वहीं जो शहर के प्रमुख बाजार हैं उनमें ट्रैफिक को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई है और शाम के वक्त बाजारों में वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि बाजारों में किस तरीके से रौनक दिखनी शुरू हो गई है। लोग सजावटी सामान खरीद रहे हैं, इसके अलावा पूजन का सामान भी खरीद रहे हैं, तमाम तरीके के कपड़े खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए बंदूकें खरीदी जा रही हैं, तमाम आतिशबाजी का सामान खरीदा जा रहा है। कुछ खरीदार भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली लेकर मैम ये बताइए कि आज धनतेरस का दिन है, क्या खरीदने के लिए निकले हैं आप लोग? हम दिए ले रहे हैं, बंधनवार ले रहे हैं, यही सब ले रहे हैं बस। मैम ये बताइए दीपावली की खरीदारी किस तरीके से कर रहे हैं आप? अच्छे तरीके से कर रहे हैं भैया और बस खरीदारी हो रही है दीपावली की। बाजार किस तरीके से सज करके तैयार है, आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं? बहुत अच्छे से तरीके से सज के तैयार है, अच्छे तरीके से सज के तैयार है जी। अच्छी वैरायटी है, कुछ डिफरेंट है तो अच्छा सजा हुआ है। हम भी अपना घर सजाएंगे इससे। तो आपका कहना है कि आप अपना घर सजाएंगी और बाजार भी इस बार विशेष तरीके से सजे हुए हैं और तमाम ऐसे फैंसी आइटम हैं जो बाजार में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। तो कानपुर में बाजार सजे हुए हैं, खरीदार बाजारों में पहुंच रहे हैं और धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। विरोधित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। नोएडा और कानपुर की तस्वीरें आपने देख ली कि धनतेरस पर बाजार किस तरह से गुलजार है। अब तस्वीर आपको लखनऊ की दिखाते हैं। लखनऊ की बाजार में भी रौनक बरकरार है, लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और धूमधाम से लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के सदर बाजार में अलग अलग तरीके की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और दीपक उपलब्ध हैं। बाजार में अभी से ही रौनक बरकरार है। राजधानी लखनऊ के बाजारों में दीपावली को लेकर के धूम है, ऐसे में आज धनतेरस है तो धनतेरस के लिहाज से भी अपने आप में बाजारों के लिहाज से खास दिन है। लिहाजा राजधानी लखनऊ के सदर बाजार में हम लोग मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर आज इस बाजार में मौजूद हैं और लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं।
इस वक्त काफी भीड़ भी है। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो घर की तैयारियों के सामान उसके साथ साथ को लेकर के भी लोगों में क्रेज दिख रहा है। कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या क्या नई चीज इस बार बाजार में देखने? अभी तो कुछ नहीं आया सर, अभी तो बाजार इतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए यार। बाजार अभी बाजार थोड़ी हल्की है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोग जो यहाँ बाजार में आए हुए हैं खरीदारी कर रहे हैं, और अलग तरह के इस बार जो ट्रेंड देखा गया है खासतौर से दीपकों को लेकर के, ये जो दीपक हैं ये देखिए कुछ अलग डिजाइन में है और ये पूरी तरह से इन पे भी नक्काशी है एक हिसाब से, ये देखिए पूरी अलग तरह से डिजाइन बनाई गई है। लेकिन जो पारंपरिक हमेशा से जो चलती आई थी वो इसके पुरानी जो पहले के जो दिया थे दीपक थे वो इस तरह से दिखते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है दिया जो है उनमें भी अलग अलग तरह के डिजाइन आने लगे हैं। कैसा चल रहा है बाजार? क्या चल रहा है? लोग आ रहे हैं खरीदारी? लोग आ रहे हैं दीपावली दीपावली में। कुछ नई डिजाइन की जो है गणेश लक्ष्मी की भी मूर्ति इस बार आपके पास है? कि लोकली लखनऊ के उत्तर प्रदेश की बनाई हुई मूर्तियां हैं, और इसी तरह से अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के रंग देखने को आज बाजार में मिल रहे हैं। धनतेरस का दिन है, सभी लोग इस दिन को बेहतर तरीके से रहने के लिए बेहतर तरीके से मनाने के लिए आज बाजारों में जरूर खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। और धनतेरस की धूम सोनभद्र में भी देखने को मिल रही है। बाजार गुलजार है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाजार में लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका जायजा लिया संवाददाता जितेंद्र ने। देखिए पर धनतेरस को देखते हुए मार्केटों में दुकानें सजी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे बर्तन की दुकान हो चाहे आभूषण की, ग्राहक अब घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये दुकान है बर्तन की, चांदी की दुकानें भी है, आभूषण की है। यहाँ महिलाएं ज्यादातर दिख रही हैं जो खरीदारी कर रही हैं। अयास उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरह का खरीदारी कर रही हैं और क्या पसंद करना चाह रही हैं। मैडम ये बताइए धनतेरस से क्या खरीद रही हैं आप इस बार? बस जो हमें अच्छी लग जाए। वैसे तो काफी सोच के आए थे कि ये लेंगे वो लेंगे, अब देखने में इतने ढेर सारे सामान है, आप सोचते हैं क्या क्या ले लें। तो अभी क्या पसंद करना चाह रही हैं? अभी थाली लेंगे और एक चांदी का सिक्का लेंगे और कुछ गिलास वगैरह समझ में आ गया तो ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं घर से निकली हुई हैं और बर्तन वो चांदी का सिक्का लेने का प्लान कर रही हैं, और भी महिलाएं यहाँ बात करते हैं उनसे। मैम आप बात कीजिए, बताइए आप क्या लेने के लिए आई हैं आप दुकान से? हम आए हैं लोटा लेने के लिए, कप लेने के लिए। धनतेरस से कहते हैं कि आभूषण या चांदी सिक्का वगैरह भी लिया जाता है, तो आप क्या लेना चाह रही हैं? वो भी लिया जाता है तो जरूरी है भाई, आज के दिन शुभ होता है, कोई सामान ले लो स्टील का। देख रहे हैं महिलाएं भी घर से निकल के यहाँ खरीदारी कर रही हैं। दुकान पे एक हमारे व्यवसायी उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बढ़िया जाएगा, उम्मीद यही था। तो किस तरह की खरीदारी आपके यहाँ ज्यादा होती है आज के दिन? खासतौर से धनतेरस के दिन ज्यादा होती है, और उसके बाद तो छिटपुट लगा रहता है, लेकिन आज के दिन के लिए हम लोग विशेष तैयारी करते हैं। सोनभद्र से जितेंद्र गुप्ता, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और खबर बागपत से, जहां अजगर निकलने के वजह से इलाके में हड़कंप मच गया।